काशीपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए आभूषण, नकदी और वाहन भी बरामद किए हैं। काशीपुर में करीब 1.5 माह पहले घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने यूपी के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया है। चोरी का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि मोहल्ला पक्का कोट निवासी सुनील कश्यप और उसके भाई विनय कुमार के बंद मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी और जेवरात चोरी करके ले गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया और अब इसका खुलासा किया गया। इस टीम ने करीब 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे। पुलिस ने संदिग्ध मोटरसाइकिल के आधार पर जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुनील कश्यप जी अपने मकान में ताला लगा के बाहर गए थे। उनके घर पे चोरी की घटना होती है, जिसमें आभूषण, सोने चांदी के आभूषण चोरी। इस घटना के खुलासे के लिए हमारे द्वारा कटोरा तालचू के प्रभारी विपुल जोशी को और उनकी टीम को लगाया गया, जिन्होंने बहुत मेहनत करके सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने एक मोटरसाइकिल, संदिग्ध मोटरसाइकिल के सहारे से, जो कई बार ओलेक्स पे बेच दी गई थी, एक शुभम जो गौतम बुद्ध नगर का निवासी था और एक अंकित जो शाहजहाँपुर का निवासी है, इन लोगों तक पहुंचे और इन लोगों को इन्होंने ट्रेस करने के लिए शाहजहाँपुर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, रुद्रपुर, यहाँ सब छानबीन ली और इन लोगों को इन्होंने कल गिरफ्तार किया। दोनों लड़कों को इनके पास से जो चोरी के आभूषण थे उन्हें बेच के इन्होंने 65,000 रुपये और 2 सोने के कंगन इनसे बरामद हुए, 6 इनसे बिछुए, 6 अंगूठी और एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने उस चोरी के सामान को बेच के उसके पैसे से ली थी, और एक स्कूटी संदिग्ध बरामद की गई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।